समाजसेवी वार्ड पार्षद और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अनिता अग्रवाल ने हरदा जिले के ग्राम सुखरास पहुंचकर गरीबों के ठंड से बचने के लिए कंबल, स्वेटर, जर्किन, इनर और चप्पल वितरित किए। समाजसेवी गरीबों को कंबल दान कर ठंड से बचाने के लिए आगे आने लगे हैं। इसी क्रम में आज शहर की समाजसेवी वार्ड नंबर 21 की पार्षद और भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अनिता संतोष अग्रवाल ने ग्राम सुखरास में गरीब और निराश्रित लोगों में वस्त्र और कंबल का वितरण किया। समाजसेवी अनिता अग्रवाल वर्षों से लगातार गरीबों के लिए ठंड में ऊनी वस्त्र और गर्मी में वाटर कूलर, बारिश में रेनकोट का वितरण करते आ रहे हैं। हरदा से आलोक गौर की रिपोर्ट। अनिता संतोष अग्रवाल, वार्ड क्रमांक 21 की पार्षद, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष। ये जो गरीबों में हम कम्बल, इनर, स्वेटर, खाना, चप्पल ये सब है ना, हम कम से कम 15-20 साल से बांटते चले आ रहे हैं। ठंड में ये कम्बल का वितरण करते हैं, बरसात में जूते चप्पल का वितरण, छतरी, रेनकोट, और गर्मी में भी हम कुछ ना कुछ दिए ही करते हैं। ये हमारा काम चलता ही रहता। अधिकतर हम गाँवों में जाते हैं, जो निचली बस्ती है वहाँ जाके हम ये काम करते हैं, और इस काम के करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। आज आप कौन सा गांव में आते हैं? आज हम सुखरास में आए थे, तो सुखरास में आके देखा कि बहुत गरीब लोग हैं, उनकी झोपड़पट्टी है, तो हमने उनको आगे की योजनाओं के बारे में भी बताया और उन लोगों को कंबल भी दिए, इनर दिए, स्वेटर वगैरह दिए। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक को हमने स्वेटर, और इवन तो हमने उनको खाना भी खिलाया पेट भर के, चप्पल भी वितरित की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।